Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself, Dipendra Kumar Sharma from Daffodils Public School. I hope आप सभी ने अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया होगा और जो भी लेक्चर्स वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं आप उन्हें देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास फिफ्थ की इंग्लिश टेस्ट का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट रीडिंग कर लिया था। आज हम उसके को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करके उनको क्वेश्चंस को समझा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाई डिड द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड, कि एलिफेंट्स उस जहाँ चूहे रहते थे ना वहाँ से क्यों गुजरते थे। तो इसका आंसर आपको आता होगा, क्यों गुजरते थे, क्योंकि वो पानी की तलाश में या तालाब की तलाश में गुजरते थे। बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ बटर, पानी की तलाश में गुजरते थे। Why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route? चूहों के राजा ने हाथी के राजा से क्या रिक्वेस्ट की, क्या निवेदन किया कि भाई आप या अपने रूट को चेंज करने के लिए क्यों निवेदन किया, आप बता सकते हैं? क्योंकि वो हाथियों के बिग फीट के अंडर नीचे कई सारे रैट्स हाउसेज एंड रैट्स आर किल्ड, मारे जाते हैं। बिकॉज मैनी होम्स ऑफ रैट वर डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाते थे अंडर द बिग फीट, उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे कई सारे चूहे मर जाते थे और कई सारे उनके घर भी नष्ट हो जाते थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि आप दूसरे रूट से जाया कीजिए। वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स वैन नीडेड, जब उनको आवश्यक, जो चूहों के राजा ने वादा किया हाथियों की मदद करने, वैन जब आवश्यकता हो, क्यों वादा किया था, तो क्यों वादा किया था कि वो अपना पॉन्ड पर जाने का रास्ता बदल ले, इसलिए उन्होंने वादा किया था। गजराज हैड एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड, ठीक है, जो प्रॉमिस जो वादा किया था वो उनके रूट को चेंज करने के लिए किया था। वाई वर द एलिफेंट साउटिंग बंडे, जो हाथी थे वो एक दिन चिल्लाने क्यों लगे, क्योंकि वो किस में हो गए, क्या ट्रैप कैप्ट अरेंज बाई सम हंटर्स, क्योंकि कई हाथियों को कई कुछ हंटर शिकारियों ने जाल में पकड़ लिया था। हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट, कि चूहों ने हाथियों की मदद कैसे की, रोप्स को कट करके, रोप्स को काट करके एलिफेंट्स को फ्री कर दिया, इस तरह उन्होंने उसकी मदद की। तो आपको ये शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर समझाएं तो ठीक है, अगर कोई भी इनमें प्रॉब्लम आए तो टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, स्टे होम स्टे सेफ।